स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। 19वीं शताब्दी के अंत में किस भारतीय नेता ने गणेश चतुर्थी को एक सार्वजनिक उत्सव के रूप में लोकप्रिय बनाया? ए. बाल गंगाधर तिलक, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. सुभाष चंद्र बोस, डी. महात्मा गांधी। आंसर ए. बाल गंगाधर तिलक। एक्सप्लेनेशन: गणेश चतुर्थी को 19वीं सदी के अंत में प्रमुखता मिली। गणेश उत्सव की शुरुआत 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में की थी। उस वक्त देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी। ऐसे में तिलक ने गणेश उत्सव के नाम पर लोगों में एकता और राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करने के मकसद से गणेश उत्सव मनाते थे। यह उत्सव 10 दिनों तक चलता है। अगला प्रश्न: यूपी सरकार कहां पर वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी? ए. वाराणसी, बी. अयोध्या, सी. नोएडा, डी. कानपुर। आंसर ए. वाराणसी। एक्सप्लेनेशन: यूपी सरकार वाराणसी में वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में एक वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी। कला संग्रहालय भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित होगा। ये 16 संस्कारों, 64 कलाओं और 18 विद्या संस्थानों पर प्रकाश डालते हुए वैदिक साहित्य के विकास को प्रदर्शित करेगा। अगला प्रश्न: सितंबर 2024 में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. जीन कैस्टेक्स, बी. मिशेल बानिया, सी. ए. डॉट फिलिप, डी. इमैनुएल मैक्रोन। आंसर बी. मिशेल बानिया। एक्सप्लेनेशन: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन के कार्यालय ने 5 सितंबर 2024 को मिशेल बानिया को नया प्रधानमंत्री नामित किया है। बानिया यूरोपीय संघ के पूर्व ब्रेग्जिट वार्ताकार रहे हैं। उन्होंने 2016 से 2021 तक यूरोपीय संघ, EU और ब्रिटेन के बीच ब्रेग्जिट पर वार्ता की थी। यह नियुक्ति 2 महीने पहले हुए चुनाव के बाद की गई है। 73 वर्षीय बानिया फ्रांस के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने गैब्रियल एटल का स्थान लिया है, जो सबसे युवा थे। एटल ने 16 जुलाई को चुनावों में त्रिशंकु संसद आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न: तीरंदाजी में पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? ए. मरियप्पन थंगावेलु, बी. देवेंद्र झाझरिया, सी. हरविंदर सिंह, डी. दीपा मलिक। आंसर सी. हरविंदर सिंह। एक्सप्लेनेशन: हरविंदर सिंह ने 4 सितंबर 2024 को पेरिस 2024 पैरालंपिक में तीरंदाजी में भारत का पहला पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीता। इंडोनेशिया में पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व ओपन स्पर्धा में प्रतिस्पर्धा करते हुए हरविंदर ने फाइनल में पोलैंड के लुकाच से कुछ 6-0 से हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया। अगला प्रश्न: निम्नलिखित में से किसे 2024 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है? ए. फरवीजा फरहान, बी. हयाओ मियाज़ाकी, सी. कर्मा फुटशो, डी. उपर्युक्त सभी। आंसर डी. उपर्युक्त सभी। एक्सप्लेनेशन: रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे एशिया का नोबेल कहा जाता है, इस अवार्ड से एशिया के उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने समाज में उल्लेखनीय योगदान दिया है। साल 2024 में ये प्रतिष्ठित पुरस्कार भूटान के कर्मा फुंटशो, वियतनाम की नगुयेंटी नगोक फ्यून, इंडोनेशिया की फरवीजा फरहान, जापान के हायाओ मियाज़ाकी और थाईलैंड के ग्रामीण डॉक्टर्स मूवमेंट को प्रदान किया गया। इनके कार्यों ने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।